हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल अनुपमास किचन वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज मैं एक और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सा दो बूंद ऑयल में बनने वाला नाश्ता लेके आई हूँ। जो लोग डाइट पे हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये परफेक्ट रेसिपी है। बहुत ही जल्दी बन के हो जाती है तैयार। एक कप पोहे से हमने इसको बनाया है बहुत ही हेल्दी वर्जन में, और आप इसे बिना ऑयल के भी बना सकते हो। बहुत ही कम ऑयल इसमें हमने यूज़ किया है और बनाना इतना सिंपल है कि झटपट सुबह आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको बना के दे सकते हो, उनको भी बहुत पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। ये देखिए, मैंने लिया है एक कप पोहा। इसको मैंने अच्छे से छलनी में छान के ले लिया था ताकि इसके जो डस्ट पार्टिकल है वो निकल जाए। अब मैंने इसको मिक्सी के जार में डाल लिया है, हमें इसका फाइन पाउडर बना लेना है। ये देखिए, मैंने इसको पाउडर फॉर्म में बना लिया है और मैं इसको मेज़र करके दिखाती हूँ। एक कटोरी हमने पोहा लिया था, अब वो पाउडर करने के बाद हाफ कटोरी रह गया है, और हाफ कटोरी मैंने इसमें सूजी लिया है। साथ ही मैंने एक बड़ा साइज़ का कच्चा आलू लिया है, उसको पतले वाले ग्रेटर में इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। एकदम पतले वाले ग्रेटर में करना है, मोटे में बिल्कुल नहीं करना है। अब इसको एक छलनी में डाल के इसको हमें 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। ये देखिए, मैं अच्छे से वॉश करके ले आई हूँ। अपने आलू के लच्छे एकदम वाइट हो गए हैं। चलिए अब तैयारी कर लेते हैं इसको बनाने की। गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है और उसमें डाल लिया है 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा उसमें मैं डालूंगी 1/2 छोटी चम्मच जीरा और 1 छोटी चम्मच राई दाना। दोनों को अच्छे से तड़कने देंगे और उसके बाद हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। मैंने डाला है 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 पिंच हींग ऐड किया है, साथ ही 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है। और अब जितना हमने सूजी और पोहा लिया था ना, उसका डबल हम पानी डाल लेंगे। तो 1/2 कप पोहा हो गया था पिसके और 1/2 कप सूजी, तो 1 कप हो गया टोटल। तो मैंने इसमें 2 कप पानी ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते, मेरे पास ड्राई कड़ी पत्ता था तो मैंने उसी को क्रश करके डाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ा सा गरम मसाला। अब जो हमने आलू के लच्छे धो के अच्छे से रखे थे ना, वो इसमें सारे ऐड कर देंगे और इसको चला के अब लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको ढक के 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। साथ ही मैंने इसमें देखिए 1 छोटा चम्मच वाइट वाला तिल डाला है, इससे हमारे नाश्ते में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको 1-2 बॉयल आने देंगे ताकि आलू के लच्छे हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। हमें थोड़े से सॉफ्ट आलू के लच्छे चाहिए, तो मैंने 2 मिनट के लिए इसको ढक के कुक कर लिया था। और ये देखिए, आलू का लच्छा हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। बस इतना ही हमें इसे कुक करना था। अब जो हमने पोहा पीस के रखा था वो ऐड कर देंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, लगातार चलाते रहेंगे वरना इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। अब 1/2 कप हमने सूजी लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो मेज़रमेंट का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जितना हमारा पोहा और सूजी है उसका डबल ही हमें इसमें पानी लेना है। और अब इसको लगातार चलाते हुए, स्पैचुला से मिक्स करते हुए 1-2 फॉर्म तक आने तक हमें इसे कुक कर लेना है। लगातार चलाते रहेंगे वरना इसमें गांठें पड़ सकती हैं। तो मैंने इसको देखे, आटे की तरह हमारा तैयार हो गया है। इसको मैंने गैस पे से उतार लिया था। अब हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस करेंगे और इस तरह से इसको एक आटे की तरह गूंथ लेंगे हम, और छोटी छोटे हाथों में नींबू के साइज़ का पोर्शन हाथों में उठाएंगे और गोल गोल टिक्की की शेप दे देंगे। अब बीच में से इसमें एक हम फिंगर से होल कर लेंगे, जिस तरह से मेदू वड़ा में होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से हमने टिक्की की शेप बनाकर और उसके बीच में फिंगर से होल कर लिया है, कुछ इस तरह से। ये देखिए, जैसे वड़ा होता है ना, बिल्कुल उसी शेप का हमें अपना नाश्ता बना के तैयार कर लेना है। आप चाहो तो इसे टिक्की की राउंड शेप में भी बना सकते हो, या फिर लंबे शेप में, ओवल शेप में, या फिर स्क्वायर शेप में, किसी भी शेप में आप इसे बना सकते हो। मैंने आज इसे मेदू वड़ा की शेप में बनाया है। तो इसी तरह से मैं अपने सारे डो में से इस तरह से सारा नाश्ता असेंबल करके रख लूँगी। अब यहाँ मैंने स्टीमर की एक छलनी ली है, उसको ऑयल से इस तरह से ग्रीस कर लिया है और इसमें अपना ये सारा नाश्ता
थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम सेट कर लेंगे। ये देखिए मैंने अपना नाश्ता थोड़ी थोड़ी दूरी पर सारा सेट कर लिया है और अब इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए स्टीमर में स्टीम करेंगे। ये देखिए मैंने कढ़ाई में पहले ही पानी डाल के स्टीमर चढ़ा दिया था और इसमें एक नींबू का छिलका मैंने डाल दिया है ताकि हमारा कढ़ाई में नीचे कलर बेकार ना हो। तो मैंने इसमें रख दिया है अपना स्टीम होने के लिए नाश्ता और 5 से 7 मिनट बाद देखिए मैं चेक कर रही हूँ एक टूथपिक डाल के, टूथपिक एकदम क्लीन आ रही है, इसका मतलब हमारा नाश्ता कुक होके तैयार है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे और हल्का ठंडा होने देंगे। जैसे ही ये हल्का ठंडा होगा उसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो गैस पे मैंने अगेन एक पैन रख दिया है, ऑयल डाला, ऑयल जैसे ही गर्म हुआ उसमें मैंने डाला राई दाना और डाले थोड़े से वाइट वाले तिल। तो ये कर रहे हैं हम अपने नाश्ते के तड़के की तैयारी। लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही खाना चाहते हैं, आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप इसको बिना तड़का लगाए भी खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ राई दाना और तिल का तड़का लगाया है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। तो अब वन बाय वन अपना सारा नाश्ता मैं इसमें डाल लूँगी और इस तरह से इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे, ये देखिए पैन में हम लगातार हिलाते रहेंगे अपने सारे नाश्ते को और अच्छे से जो तिल और राई दाना है ना उसमें हमें अच्छे से अपने सारे नाश्ते को कोट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से चल नहीं रहा था तो मैंने ना पैन को इस तरह से हिलाया और इनको अपने नाश्ते को डांस करा दिया और ये डांसिंग डांसिंग करते करते हमारा नाश्ता पूरा इवनली राई दाना और तिल में कोट हो गया है। अब इसके ऊपर मैंने डाल दिया गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और एक बार इसको डांस करा देते हैं इस तरह से। ये देखिए डांसिंग डांसिंग और ये हमारा नाश्ता हो गया है तैयार। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितना इजी है इस नाश्ते को बनाना। थोड़ा सा मैंने रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला धनिया पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है, एक और बार इसे डांस करा दिया है और ये मज़ेदार क्रिस्पी करारा चटपटा सा हमारा नाश्ता हो गया तैयार। मैंने इसको सर्विंग प्लेट में लगाया और टमाटो केचप और ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए या फिर सुबह ब्रेकफास्ट में बनाइए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है और देखा झटपट बनके तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी या स्टेट से देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना और अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एक और नई हेल्दी सी रेसिपी के साथ बने रहिएगा मेरे साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी ऑलवेज़।